नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है प्रीमियर में कि आप लोग जब भी बुक में कोई हाइलाइटर यूज़ करते हो किसी चीज़ को, किसी लाइन को मार्क करने के लिए, तो हम लोग वही देखने वाले हैं कि हम लोग हाइलाइटर कैसे बना सकते हैं प्रीमियर में। ओके, मीन्स किसी पर्टिकुलर लाइन्स को, वर्ड्स को, सेंटेंस को हम लोग किस तरह से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, राइट? तो आज हम लोग प्रीमियर में यही कवर करने वाले हैं कि हाइलाइटर कैसे बना सकते हैं अपने प्रीमियर में। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको करना है क्या है यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैंने कोई भी एक ऐसा पेज आप ले लो जिसके ऊपर आपको वर्क करने हैं। ओके, तो मान लो मैंने ऐसे कोई पेज ले रखे हैं यहाँ पे, तो पेज आपको ले लेने हैं। इवन तो आप चाहो तो बैकग्राउंड को भी आप इसी पेज के कलर में आप रख सकते हो। जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे, राइट क्लिक किया, न्यू आइटम में गया एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कलर मैट। कलर मैट में आप चले जाओ एंड देन यहाँ पे आप कलर पिक कर लो, जैसा कलर आपको यहाँ पे ये वाले कलर मिल रहे हैं, ऑफ वाइट या वाइट, जो भी कलर हो आपके पेज के कलर को आप यहाँ पे सेट कर लो, जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हो। फाइन, तो मैंने कुछ इस तरह से देखो पेज का कलर एंड देन दोनों हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर रखा है। अभी मैं थोड़ा सा इसको बड़ा साइज़ कर देता हूँ, मीन्स बड़े साइज़ में ले लेता हूँ एंड देन आप चाहो तो इसके ऊपर और भी, अगर आपको पेज थोड़ा सा ब्राइट नहीं लग रहा हो तो आप थोड़ा सा इस चीज़ में और भी थोड़ा सा अपने कलर को कॉन्ट्रास्ट में ला सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास ये जो पेज है ना, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, इतने पोजीशन को थोड़ा सा वाई पोजीशन ले लेता हूँ यहाँ पे। फाइन, कुछ ऐसे मैंने ले रखे यहाँ पे जैसा मुझे चाहिए। फाइन, तो ये भी आ गए मेरे यहाँ पे एंड देन मैं क्या करता हूँ, स्केल 100% कर देता हूँ यहाँ पे। फाइन, एंड देन थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, तो ये मान लो मेरा एक पेज है जिसके ऊपर मुझे वर्क करने हैं एंड देन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर देता हूँ या फिर ये रहने देता हूँ एंड देन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे फर्स्ट आपको फिर से क्या करना है, जो आपको अगेन प्रोजेक्ट में आ जाने हैं, राइट क्लिक करने हैं एंड देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है फिर से कलर मैट। कलर मैट में आपको जो भी जिस भी कलर के आपको हाइलाइटर्स बनाने हैं आप ले सकते हो। तो मैं चाहता हूँ लाइक मैं येलो कलर ले लूँ या फिर मैं मस्टर्ड येलो कलर भी ले सकता हूँ कुछ ऐसे। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब भी आप इसको लोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करना है, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप टॉप वाले लेयर पे। तो टॉप वाले लेयर पे जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे कुछ ऐसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप स्केल करोगे तो आप पूरे का पूरा एक साथ ही आप स्केल कर पा रहे हो सभी को, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप स्केल करते हो तो आप सबको एक साथ ही स्केल कर पा रहे हो। फाइन, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट कि मान लो मुझे हाइलाइटर जैसे काम करने हैं यहाँ पे, बनाने हैं हाइलाइट जैसा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट जूम कर लो थोड़े से एंड देन जहाँ पे भी आपको हाइलाइटर बनाने हैं वहाँ पे आपको ये जो येलो कलर है वहाँ पे आप लेके चले जाओ स्टार्टिंग में एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप ब्लेंडिंग ऑप्शन ले लो फर्स्ट। जब भी आप जाओगे यहाँ पे तो आप बेटर है कि आप यहाँ पे जाकर डार्कन ले लो कुछ ऐसे, या फिर आप थोड़ा सा लाइट भी ले सकते हो, लाइक डार्कन की जगह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये भी ज़्यादा बेटर आपको दिखेंगे। ओके, अभी आपको करना क्या है, ये जो येलो कलर है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर सबसे फर्स्ट आपके जो स्केल है, तो इसके जो स्केल है उसे आपको यूनिफॉर्म स्केल को आपको यहाँ पे से हटा लेना है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ से यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक कर रखा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो विड्थ है ना उस चीज़ को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कि कहाँ से आपको चाहिए होंगे। मान लो मुझे हाइलाइटर यहाँ पे अप्लाई करने हैं एंड देन थोड़े से मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, या दिस इज़ फाइन। ओके, अब जैसे ये आ गए हैं, अब यहाँ पे मुझे एक काम और भी करना है। ये तो हो गए हैं, लेकिन जब आप एनिमेट करोगे तो एक एंकर पॉइंट तो होना चाहिए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में एंकर पॉइंट आपको ऐड करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जब आ जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे एंकर पॉइंट पे। सी, यहाँ पे सिंपल सा एंकर पॉइंट को जब क्लिक करोगे तो आपको एंकर पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट क्लिक एंड देन एंकर पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पे जाकर देख सकते हो आपका एंकर पॉइंट यहाँ पे है। तो एंकर पॉइंट को आपको थोड़े से एडजस्ट कर लेने हैं। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंकर पॉइंट में मैं जाता हूँ एंड देन ये एंकर पॉइंट को ये कॉर्नर की तरफ लाता हूँ, बिकॉज ऑफ कि जब आप एनिमेट करोगे ना यहाँ पे स्केल का, लाइक यहाँ पे जैसे विड्थ आप एनिमेट करोगे तो बोथ साइड से आ रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे वन साइड चाहिए। तो एंकर पॉइंट को आप क्या करो, यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेके चले जाओ कुछ ऐसा, या यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। आप चाहो तो ड्रैग करके भी लेके जा सकते हो एंकर पॉइंट को एंड देन उसके बाद आप पोजीशन को ले लो स्टार्टिंग में। सी, यहाँ पे
अब देखो आप क्या करोगे, जब भी आप स्केल करोगे ना तो कुछ ऐसे आप स्केल कर सकते हो। फाइन, यहाँ पे अभी जैसे मैं यहाँ पे गया, आप 50% थोड़ा से और ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ से। नाउ दिस इज़ फाइन, ओके। एंड देन मैं चाहता हूँ कि इसके पोजीशन यू यहाँ से मैं ले लेता, तो मैं यहाँ से लेना स्टार्ट करता हूँ, 20 से मैं लेना नहीं चाहता, तो मैं क्या करता हूँ इसके पोजीशन को मैं वाई में थोड़े से यहाँ से ले लेता हूँ। सी ये वाले मैं ले लेता हूँ यहाँ से स्टार्टिंग से, ओके। तो एंकर पॉइंट को आप यहाँ पे लेके आ जाओ सबसे फर्स्ट, कुछ इस तरह से, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड देन मैं यहाँ पे एनिमेट करना चाहता हूँ इस चीज़ को, तो फर्स्ट में आप आ जाओ, एंड देन फर्स्ट में आपको यहाँ पे स्केल के विड्थ को क्लिक कर देना, एंड देन थोड़े से आगे चले जाओ, एंड देन इसके विड्थ को आप कम्प्लीटली जहाँ तक आपको चाहिए आप वहाँ तक मार्क कर लो। सी तो आप देख सकते हो कि यहाँ से कुछ इस तरह से मैंने ले रखे हैं, फाइन, कुछ ऐसा। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप आराम से वन बाय वन लाइन, अगर आपका जैसे ये हो गया फर्स्ट लाइन, अगेन मुझे सेम चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर देता हूँ, एंड देन इसके पोजीशन को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ। सी मैंने क्या किया, पोजीशन वाई, अगेन इस लाइन के ऊपर भी मुझे अप्लाई करना है, तो मैं थोड़ा यहाँ से ले लेता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ से ये जैसे ख़त्म हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा स्लाइड करके आगे से ले लो। सी जैसे कि ये क्या होएगा, जब आप यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होना है इस सेकेंड लाइन को, तो आप क्या करो यहाँ पे सेकेंड वाले को लेके आ जाओ यहाँ पे। सी एक ख़त्म हो गया यहाँ से, एंड देन उसके बाद अच्छा टॉप वाले है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टॉप को यहाँ पे फर्स्ट रख लेना है, एंड देन इसे बाद में रख लो, ये हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद सेकेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ऐसे, एंड देन ये हमारा यहीं तक आ रहा है, तो आपको क्या करना है सेकेंड वाले जो है इसको थोड़ा सा विड्थ और यहाँ तक आप ले सकते हो। सी ओके, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, फाइन। तो एक हाइलाइटर हो गया, हाइलाइटर के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग है कि आपको कैसे किस तरह से आपको बनाने हैं, तो कम्प्लीटली आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। अगर मुझे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, फिट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये तो दो पेजेस के हो गए, और भी मुझे दो तीन हाइलाइटर मान लो यूज़ करने हैं, लाइक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 50, एंड देन थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ कुछ किसी और चीज़ पे, लाइक यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ फिर से, तो मैं क्या करूँगा, अगेन राइट क्लिक, आपका भी रिवीजन हो जाएंगे, तो यहाँ से मैं फिर से क्या करता हूँ, न्यू आइटम में जाता हूँ, एंड देन मैं फिर से यहाँ पे लेके आ जाता हूँ कलर मेट, कलर मेट आप आ जाओ, एंड देन लाइक मैंने ले लिया रेड कलर, तो दिस टाइम आई विल टेक रेड कलर, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ, एंड देन रेड कलर को मैं फिर से लेके आ जाता हूँ यहाँ से नेक्स्ट, जहाँ से ख़त्म होंगे, ओके। तो यहाँ से इसे भी मैंने ले लिया, रेड को भी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म को हटा दो, यूनिफॉर्म स्केल को, एंड देन यहाँ पे हाइट को थोड़े से आपको कम कर देने हैं, जितने आप चाहिए आपको उतने ले लो। अगेन थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे जो विड्थ है स्केल के, जो विड्थ है ये यहाँ पे है, हाइट को थोड़ा सा और कम कर दो, एंड देन ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पे डार्कन ले सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कलर बर्न जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो, तो मैं मल्टीप्लाई ले सकते हो, या फिर तो यहाँ पे मैं डार्कन ले लेता हूँ, ओके। एंड देन इसे फिर से आप थोड़े से हाइट में कम कर दो, 6 की जगह मैं ले लेता हूँ 4, ओके। तो जैसा आपको चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर दो, 4 चाहिए या 5 चाहिए आप ले लो, ठीक है। एंड देन फिर से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एंकर पॉइंट को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो नाउ आप देख सकते हो जैसे ही एंकर पॉइंट को आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एंकर पॉइंट है, आप चाहो तो एंकर पॉइंट को यहाँ पे ले जाकर रख दो, ये भी एक टेक्निक है कि आप एंकर पॉइंट को फर्स्ट रख देना है यहाँ पे, क्लिक कर दो एंकर पॉइंट के ऊपर, एंड देन एंकर पॉइंट को रख दो, एंड देन फिर यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे चले जाओ आप विड्थ पे 0 पे स्टार्टिंग में, एंड देन अगेन क्लिक करो यहाँ पे विड्थ के ऊपर, एंड देन मूव करो, एंड देन फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ा सा हाइलाइटर को कुछ ऐसे ले लेता हूँ, तो ये येलो भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, वो अपने ऊपर है कि अब किस तरह से आप यहाँ पे लेना चाहते हो। ये फिर से मैं क्या करूँगा, इसकी ऑल्ट प्रेस करके एक और कॉपी टॉप में, ओके यहाँ पे, एंड देन यहाँ से फिर एक और लाइन आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। सी जहाँ से भी आपको चाहिए होंगे ले लो, एंड देन जहाँ से भी आपको स्टार्ट करने हैं कर दो। सी कुछ ऐसे, फाइन।
तो फर्स्ट काम तो आपको ऐसे ही करने हैं, पूरे का पूरा बुक्स जहाँ तक है वहाँ तक आपको सारे के सारे हाइलाइटर्स को आपको ले लेने हैं, एक्सपेंड कर लेने हैं कुछ इस तरह से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया, सारे लाइंस को आपको एंड तक लेना है जहाँ तक आपको एनिमेशन करने हैं पेज के, फाइन कुछ ऐसे सी। एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंप्लीट एनिमेशन कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एनिमेशन। सी येलो लाइन एंड देन फिर रेड। इसी तरह से आप कोई भी आप कलर ले सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होगा आप ले सकते हो। चलो अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एनिमेट करूँ अपने इस, उसके बाद आपको करना है क्या है, यहाँ पे सारे पेजेस को सिलेक्ट कर लो एक्सेप्ट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को आपको कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड एज इट इज़ रहने दो आप जैसा आपके पास दिख रहा है। बाकी सभी चीज़ को आपको सिलेक्ट कर लेने हैं यहाँ से, फाइन सभी को सिलेक्ट कर लो बैकग्राउंड को छोड़कर जो वाइट कलर हैं, राइट क्लिक कर लो एंड देन यहाँ पे जाकर इसको नेस्ट में कन्वर्ट कर दो। अब नेस्टिंग मैंने लास्ट क्लास में भी पहले भी बता रखा है कि नेस्ट होता क्या है। ओके नेस्टिंग हम लोग बहुत यूज़ करते हैं एज अ ग्रुप काइंड ऑफ क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करना है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक 3D। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चले जाना है एंड देन लिखना है बेसिक 3D, राइट। बेसिक 3D का काम क्या होता है ना, पेजेस को थोड़ा एनिमेटेड बनाने के लिए अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी हो, जो थोड़ा सा जब भी आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने जो भी अपने वर्क्स को, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे दिखने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिक 3D मैंने अप्लाई कर रखा है। अब बेसिक 3D में आप फर्स्ट में आप आ जाओ, देखो यहाँ पे फर्स्ट में मैं आ जाता हूँ। सबसे फर्स्ट विल है, मीन्स आप इसको कुछ इस तरह से ले सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, जैसे कि मान लो हल्का सा रोटेट कर दिया यहाँ पे एंड देन क्लिक किया सी, एंड देन यहाँ पे जाकर मैंने ज़ीरो कर दिया यहाँ पे, फर्स्ट क्लिक एंड देन प्रेस ज़ीरो। आप देख सकते हो यहाँ से कुछ ऐसा है, फाइन। तो ये भी आ गए यहाँ पे एंड देन फिर से आप चाहो तो थोड़ा सा टिल्ट भी कर सकते हो, कुछ ऐसे, फाइन। तो ये सभी हैं, जैसे भी आपको चाहिए होगा वैसे आप ले सकते हो यहाँ पे। ओके तो जस्ट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप थोड़ा सा ड्यूरेशन को थोड़ा सा चेंज कर लो जैसा आपको चाहिए होगा। ओके थोड़ा फास्ट कर लो, थोड़ा सा स्लो होएगा, कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, फाइन कुछ ऐसे, जैसा आपको चाहिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आप ले सकते हो सी, फाइन कुछ ऐसे। तो यहाँ पे फिर से आप स्वेबल को क्या करो, स्वेबल को आप क्लिक करके फिर से आप टिल्ट कर सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए, कि आप किस तरह से आप यहाँ पे करना चाहते हो आप वैसे ही आप यहाँ पे रख सकते हो, कुछ ऐसे स्वेबल एंड देन ये, फाइन सी। तो आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह से आप एनिमेट कर पा रहे हो अपने ऑब्जेक्ट्स को, इवन तो जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस है, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्टेंस को भी मैं क्या करता हूँ थोड़े से बड़े कर देता हूँ यहाँ पे सी, एंड देन क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे जाओ थोड़ा सा दूर, ये देखो। फिर यहाँ पे भी आप क्या करो, थोड़े से ऐसे कर दो, ओके यहाँ पे भी जाकर आप थोड़ा सा जूम कर लेना। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो एनिमेशन, यहाँ पे गया कुछ ऐसे, फाइन। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप बनाना चाहते हो तो बहुत इजी वे में बना सकते हो, बहुत इजी वे में बना सकते हो। कंट्रोल एंटर प्रेस करो, नाउ यू कैन सी। ओके जस्ट मैं एक म्यूज़िक ऐड कर देता हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़े से एक म्यूज़िक मैं ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे जो मैंने बना रखे हैं, सिंपल यहाँ तक भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है मुझे। अब आप देख सकते हो कि जो मैंने बनाया है वो कैसा दिख रहा है फाइनल आउटपुट। ओके तो कुछ इस तरह से आप हाइलाइटर्स वगैरह यूज़ करके आप वर्क में ले सकते हो, कुछ बना सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए, जो भी चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। तो ये भी बहुत यूज़फुल है हमारे प्रीमियर में।
आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग प्रीमियर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।